एक लॉयर थे और वो नेगोशिएशन के लिए ब्रिटिश फोर्ट में एंटर करते हैं कुछ प्रिजनर्स को रिलीज कराने के लिए, लेकिन फिर वहाँ से वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, खुद भी वहीं रहते हैं जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती। मेरीलैंड में ये लड़ाई हो रही है, तो वो सुबह उठते हैं तो उसी समय वो ये राइट्स इज एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दैट, तो उसी को बाद में नेशनल एंथम में कन्वर्ट किया गया, एक और किसी और व्यक्ति ने उनके एक्सपीरियंस को डेवलप किया फर्क। तो आज जो रूप में हम देखते हैं वो थोड़ा सा अलग है जो ओरिजिनल रहा होगा। तो उसका कोई उसका जैसे अपने रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, फ्रांसिस कॉट की कहते हैं यहाँ पे, उसके लिए कहते हैं इंस्पिरेशन फ्रांसिस कॉट की ही है। इंस्पिरेशन है, ही इज नॉट राइटर। नहीं, राइटर तो और एक और सोल्जर भी है जिसने उसके साथ में था, जिसने उसको म्यूजिक के लिए लयबद्ध किया, क्योंकि इट इज टू बी संग ना। तो अनुज पूरी पूरी नहीं है ना, पूरी कविता नहीं है, ये बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है, पूरी कविता तो बहुत लंबी है, जो एंथम का हिस्सा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये है, अरे कहो दिख रहा क्या तुम्हें, नहाए भोर की किरण में, जिस पर गर्वित हो जयकारे हम सांझ की गौतनी में। अरे कहो दिख रहा क्या तुम्हें, नहाए भोर की किरण में, जिस पर गर्वित हो जयकारे हम सांझ की गौतनी में, पाटती धारियां चमकते सितारे जिस पर, पाटती धारियां चमकते सितारे जिस पर, जोखिम से जूझते हुए देखा हमने पार प्राचीर के, शौर्यता से लहलाते हुए। पाटती धारियां और चमकते सितारे जिस पर, जोखिम से जूझते हुए देखा हमने पार प्राचीर के, शौर्यता से लहलाते हुए, और प्रक्षे पात्रों के चौंधाती लाल रोशनी, फटते हुए गोले हवा में, रात भर ये जताते रहे हमारा केतु अभी भी था वही। श्रेष्ठ लिखा है सर। और प्रक्षे पात्रों के चौंधाती लाल रोशनी, फटते हुए गोले हवा में, रात भर ये जताते रहे हमारा केतु अभी भी था वही। अरे कहो वो सितारों से बखरा ध्वज क्या लहराता अभी, अरे कहो वो सितारों से बखरा ध्वज क्या लहराता अभी, स्वाधीन हुए के भूमि पर और वीरों के अशिष्ट में। तो ये दिस इज द शॉर्ट पार्ट ऑफ द एंथम व्हिच इज यूजुअली प्लेड। बहुत बढ़िया। इसको कोई क्या सुधार सकता है, इसको कोई क्या